एसईसी ने कनाडा में कुछ सिलेक्टेड टेक्निकल कंपनीज के लिए न्यू LMIA एग्जेम्प्ट वर्क परमिट इंट्रोड्यूस किया है। ये बेसिकली फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए IMP यानी कि इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के इनोवेशन स्ट्रीम के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्चुअली कनाडा का जो मेन एम है राइट नाउ वो ये है कि हाईली स्किल्ड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एंट्री और उनको फैसिलिटेट करके एज अ ग्लोबल टेक लीडर अपनी इमेज को अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है। इस प्रोग्राम के अंडर ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में शामिल कंपनी से जॉब ऑफर सिक्योर करने वाले जो फॉरेन वर्कर्स होंगे वो इसमें अपना वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इन वर्कर्स को LMIA से छूट दी गई है। LMIA बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो ये असेस करता है कि फॉरेन वर्कर के आने से, बाहर से किसी और वर्कर के आने से जो कनेडियन रेजिडेंट्स हैं उनकी जॉब्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये एग्जेम्पशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगा, जो कि आमतौर पर कंपनीज को एडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स के बिना ही इंटरनेशनल टैलेंट को शामिल करने के लिए आसान हो जाता है। इनोवेशन स्ट्रीम के अंडर वर्क परमिट को क्वालिफाई करने के लिए एप्लीकेंट्स को ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर है उसकी जरूरत पड़ती है। जॉब जो है वो हाई स्किल्ड रोल के होने चाहिए, जो कि NOC यानी के नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में से एक होनी चाहिए, यानी के टियर हो 0, 1, 2 या फिर 3। ये कैटेगरीज जो है वो मैनेजमेंट जॉब से लेकर टेक्निकल एंड स्किल्ड ट्रेड्स के लेवल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करती है। एप्लीकेंट्स को NOC में अपनी स्पेसिफिक जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि एजुकेशनल या फिर वर्क एक्सपीरियंस को भी पूरा करना होगा। ये प्रोग्राम कनाडा में रह रहे या फिर आउटसाइड जो वर्कर्स हैं सभी के लिए ओपन है। अगर जॉब ऑफर जो है वो 0 या फिर 1 किसी एक पोजीशन के लिए यानी कि मैनेजेरियल या फिर प्रोफेशनल रोल्स के लिए है तो एप्लीकेंट अपने फास्टर यू नो प्रोसेसिंग टाइम को भी इंजॉय कर सकता है। रिसेंटली वर्क परमिट एंड LMIA को लेके कुछ यू नो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए रूल्स जो है वो एक्सेप्शनल है, स्पेशली फूड सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन या फिर हेल्थ केयर जॉब्स की बात करें तो। इसके अलावा बात करें तो हमें पता है कि रिसेंटली एक और चेंज आई है कि विजिटर वीजा पर गए हुए लोग जो हैं वो अपने वहां पर रहते हुए वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन और टाइप्स के जो वर्क परमिट्स हैं वो स्टिल अवेलेबल हैं। यही रीजन है कि इन सब रिस्ट्रिक्शंस के बाद ये इनोवेशन स्ट्रीम जो है वो स्पॉटलाइट में आई है, जो कि शो करता है कि कनाडा एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड टैलेंट को ढूंढ रहा है, स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को यू नो अट्रैक्ट कर रहा है टू सपोर्ट देयर टेक इंडस्ट्री और अपनी कंपनीज के लिए, अपनी ग्रोइंग कंपनीज के लिए टॉप टैलेंट को हायर करना चाहता है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।